वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देकर प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत बनाने सहित पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर है। कांगड़ा जिले के नूरपुर में इको पार्क के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए इको टूरिज्म को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नूरपुर में इको पार्क में लोगों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस पार्क को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। ये एक अच्छा इको टूरिज्म पार्क नूरपुर शहर के बिल्कुल नज़दीक उनको डेडिकेटेड है कि सवेरा सैर सूर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। और बटरफ्लाई पार्क जो यहाँ पे बन रहा है वो हिमाचल प्रदेश में पहला इस किस्म का बन रहा है। इससे पहले यहाँ पे कोई भी बटरफ्लाई पार्क इसमें यहाँ पे नहीं था। और भी प्रपोजल्स हैं, हमने वाइल्ड लाइफ में भेजी हैं, उम्मीद है भारत सरकार से हमें स्वीकृति जल्द मिल जाएगी। एक नया रेस्ट हाउस जिसके लिए 90 लाख रुपये की राशि मैंने मंजूर की है, वो मलकवाल में फॉरेस्ट हम बना रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा, जो चंबा रोड पे लोगों के लिए वहाँ पे कोई रेस्ट हाउस नहीं था, वो भी एक बहुत पुरानी डिमांड थी लोगों की, उसको भी हमने बनाया।